14 सूत्री मांग को लेकर बिहार आशा संघ, बिहार वैक्सीन कोरियर संघ, फेडरेटर संघ और संयुक्त पैनल के तले काफ़ी संघर्ष के बाद आशनी पोर्टल खोला। उसमें डायरेक्टर से भी बातचीत किया गया, मंत्री से भी बात किया गया 18 जून के, और उसके बाद पटना के सड़कों पर 1 नवंबर से लगातार लड़ रहे थे। सरकार मजबूरन आशनी पोर्टल खोला और आज ने 6 महीना पहले बोले थे 1 नवंबर के भी को बकाया पैसा हम देंगे, सरकार को देना पड़ेगा। 16,000 रुपया आया, कहीं 13,000, कहीं 8,000। अब पैसा आने के बाद बीसीएम के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है, इसीलिए हेलो अभी जो है 14 सूत्री मांग को लेकर स्कीम वर्कर के जो सरकारी कर्मचारी और 16,000 रुपया जो आया बीसीएम के द्वारा लेन देन हो रहा है। बहुत से आशा को हटा दिया गया है, हमारा संगठन गंभीर है, सरकार से मांग किए हैं कि हटाया गया आशा कई जिला में हटाया गया, नालंदा में, अरवल में, जहानाबाद में, जमुई में, सरकार का ही नीति है। अभी हमारे आशा भी नहीं समझती है, हाई एंड फायर जरूरत है, बहाल करो, जरूरत नहीं धक्का दे के निकालो, कोई संवैधानिक अड़चन नहीं होगी। संविधान का नियम बना दिया है, किसी को कंटेक्ट पर रखना और हटाना आम बात है, इसलिए ऐसे में कानूनी बात सोचिएगा। और इसी तरह से हम संगठन की ओर से सरकार से मांग करते हैं कि नियोजन जो करें नियुक्ति स्थान नियम के ऊपर करें, सेवा से लागू करके अगर नियुक्ति होता तो फिर हटाने में अड़चन होती है। हम मुख्य फोकस है मेरा 25,000 रुपया वेतन सदस्य के मांग को लेकर हम सरकार को घेरे हैं। आज अगर सरकार 15 दिन के अंदर नहीं किया तो 9 अगस्त को हम PAC पर एक दिवसीय धरना के माध्यम से हम डिमांड कॉपी देंगे प्रभारी को, इसके बाद सभी जिलाधिकारी को घेराव करेंगे और इसके बाद हम 2 अक्टूबर के कारगिल चौक से राज्यपाल भवन मार्च करेंगे और राज्यपाल भवन मार्च के बाद हम हड़ताल की घोषणा करेंगे। चुनाव के पहले करो या मरो सरकार चेते, सभी आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कुरियर को सरकारी करें, 25,000 रुपया वेतन करें या सरकारी सुविधा दें, 14 सूत्रों में विचार करें, नहीं तो सड़क से लेकर सदन तक मेरा संघर्ष तेज होगा। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा, बिहार एटक सचिव कौशल कुमार वर्मा, मेरा मोबाइल नंबर है 8271-89-374। हम बिहार के तमाम स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर, आशा फैसिलिटेटर ममता दीदी सभी से आग्रह करते हैं, आज 23 जुलाई को हम लोग का विधानसभा घेराव था, काफ़ी अच्छी संख्या में हम लोग उपस्थित हुए, हमारी बातों को, हमारी डिमांड को माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी आए और उठाने के वादा किए। उन्होंने बोले संघर्ष तेज करो, ये सरकार जो है से बहरी सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार बहरी सरकार है और हमारे सांसद भी 30 सांसद हैं, 30 सांसद मिलकर दिल्ली में भी लड़ेंगे और हमारे बिहार में भी लड़ाई तेज होगी और सरकार नहीं सुनती तो हम सदन में इस बात को रखेंगे। आप भी हर PAC में इस पर ताला लगनी चाहिए, जब तक देश पर धरती पर लड़ाई नहीं लड़िएगा आपकी मांगों को सरकार नहीं सुनेगी, क्योंकि सरकार की तो कार्य हो रहा है, सरकार की कार्य में कोई क्षति नहीं है, क्यों आपकी बात को सुनेगी, वो तो तुच्छ पैसा दे करके आपको काम को कराते जा रहा है, परिणाम कमा रहे हैं कि हम बिहार आगे बढ़ रही है, बिहार आगे विकसित हो रही है, विकसित भारत की कसम खाए हुए मोदी जी की विकसित भारत बनाना है। अरे नीतीश कुमार जी है जल जीवन हरियाली स्वच्छ भारत की नारा यह देते हैं, कहते हैं कि विशेष राज्य के दर्जा लेंगे, अरे यहाँ राज कर रहे हैं जिस पर अपने वहाँ की जनता खुश है ही नहीं, वहाँ के वर्कर बताइए ये कौन सा नियम है, कौन सी संविधान है जहाँ की वर्कर आशा वर्कर को 1,000 रुपये मानदे, वो प्रोत्साहन राशि मानदे भी नहीं, 3,000 रुपये प्रोत्साहन मानदे की बात किए थे तेजस्वी यादव जी, उस समय मुख्यमंत्री जी साथ थे, कहाँ मुख्यमंत्री जी वादा वहाँ पूरा किए, वह भी मुख्यमंत्री तो डिफॉल्ट हुए, उसके बाद डबल इंजन की सरकार बनी उसमें भी उनको भी सूझ नहीं रहा है कि आगे क्या करे, ये आशा क्या करे, कुड़िया क्या करे, ममता क्या करे, इसलिए हम लोग तय कर लिए आज कि या तो करो या मरो, हम लोग 9 अगस्त को पूरे बिहार के पूरे PAC में
ताला मराएगा, एक दिवसीय धरना देंगे और धरना दे करके सभी कुरियर, सभी आशा आशा कलेक्टर ममता सभी लोग एकजुट होकर के डिमांड कॉपी प्रभारी को देंगे और हर एक डेट वाइज 16 अगस्त से हर जिला में डीएम का घेराव करते हुए 2 अक्टूबर को पटना में कार्यक्रम करेंगे और कार्यक्रम कहला के बाद अगर सरकार मेरी बात को नहीं सुनती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसी बात के साथ मैं मुलायम सिंह यादव, स्वास्थ्य फैसिलिटी कुरियर संघ एटक पटना। मैं आशा आशा फैसिलिटर की नेत्री परमिला ठाकुर। सरकार से हम लोग का मांग अपील हम लोग कर रहे हैं, अभी तक तो अपील ही कर रहे हैं लेकिन नहीं होने के बाद क्या होगा सरकार को अभी तक पता नहीं चल रहा है। अपील से कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का 25,000 मानदेय कर दें, इसलिए कि वादा किए हुए थे कि हम अपना इलेक्शन से पहले 2025 में विधानसभा इलेक्शन से पहले आशा के लिए सोचें। अभी इलेक्शन 2024 में हुआ जिसमें माननीय बीना देवी सांसद वैशाली की है, उनसे भी हमको भरता हुआ, उसमें भी बीना देवी जी बोली कि आशा और करियर का डिमांड हम सरकार के यहाँ पहुँचावेंगे। चिराग पासवान जी गए हुए थे वैशाली गढ़ पे, तो वहाँ भी उनको हम डिमांड पत्र दिए, तो वो भी कहे हुए थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हम आशा का बात को लेकर सरकार के यहाँ रखेंगे। इसके बाद जो भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सब कहते हैं इलेक्शन के समय कि हम आशा कुरियर का बात को रखेंगे सरकार के पास, लेकिन इलेक्शन ख़त्म होने के बाद लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो अब की 2024 का इलेक्शन ख़त्म हुआ, 25 का इलेक्शन विधानसभा में बचा हुआ है। सरकार को अगर सीट लेना है, मुख्यमंत्री फिर बनना है, 5वां मुख्यमंत्री अगर बन रहे हैं तो हम लोगों के वोट से बनेंगे और नहीं तो हम लोग का मानदेय नहीं होगा तो उनको कुर्सी से उतार देंगे। मैं परमिला ठाकुर, बिहार राज्य आशा आशा संघ की महासचिव। 14 सूत्री मांग को लेकर बिहार राज्य आशा संघ, बिहार राज्य बेक्सिल कुरियर संघ, फेडरेटर संघ और संयुक्त पैनल के तले काफ़ी संघर्ष के बाद आशनी पोर्टल खोला। उसमें डायरेक्टर से भी बातचीत किया गया, मंत्री से भी बात किया गया 18 जून के, और उसके बाद पटना के सड़कों पर 1 नवंबर से लगातार लड़ रहे थे। सरकार मजबूरन आशनी पोर्टल खोला और आज ने 6 महीना पहले बोले थे 1 नवंबर के भी बकाया पैसा हम देंगे, सरकार को देना पड़ेगा। 16,000 रुपये आया, कहीं 13,000, कहीं 8,000। अब पैसा आने के बाद बीसीएम के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है, इसीलिए हेलो अभी जो है 14 सूत्री मांग को लेकर स्कीम वर्क करके जो सरकारी कर्मचारी और 16,000 रुपया जो आया बीसीएम के द्वारा लेन देन हो रहा है। बहुत से आशा को हटा दिया गया है, हमारा संगठन गंभीर है, सरकार से मांग किए हैं कि हटाया गया आशा कई जिला में हटाया गया, नालंदा में, अरवल में, जहानाबाद में, जमुई में, सरकार का नीति है। अभी हमारे आशा भी नहीं समझती है, हाई एंड फायर ज़रूरत है, बहाल करो, जरूरत नहीं धक्का दे के निकालो, कोई संविधानिक गलती नहीं होगी, संविधान का नियम बना दिया है, किसी को कंटेक्ट पर रखना और हटाना हम बात है, इसलिए ऐसे में कानूनी बात सोचिएगा। और इसी तरह से हम संगठन की ओर से सरकार से मांग करते हैं कि नियोजन जो करें नियुक्ति स्थायी नियम के ऊपर करें, सेवा से लागू करके अगर नियुक्ति होता तो फिर हटाने में अड़चन होती। हम मुख्य फोकस से मेरा 25,000 रुपया वेतन 14 सूत्री के मांग को लेकर हम सरकार को घेरे हैं। आज अगर सरकार 15 दिन के अंदर नहीं किया तो 9 अगस्त को हम PAC पर एक दिवसीय धरना के माध्यम से हम डिमांड कॉपी देंगे प्रभारी को, इसके बाद सभी जिलाधिकारी को घेराव करेंगे और इसके बाद हम 2 अक्टूबर के कारगिल चौक से मुख्य विधान राजपाल भवन मार्च करेंगे और राजपाल भवन मार्च के बाद हम हड़ताल की घोषणा करेंगे। चुनाव के पहले करो या मरो सरकार चेते, सभी आशा फैसिलिटर वैक्सीन कुरियर को सरकारी करें,
25,000 रुपया वेतन के या सरकारी सुविधा दें, 14 सत्रों का अगर विचार करें, नहीं तो सड़क से लेकर सदन तक मेरा संघर्ष तेज होगा। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा, बिहार एटक सचिव कौशल कुमार वर्मा, मेरा मोबाइल नंबर है 8271-89-374। हम बिहार के तमाम स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर, आशा, आशा फैसिलेटर, ममता दीदी सभी से आग्रह करते हैं। आज 23 जुलाई को हम लोग का विधानसभा घेराव था, काफ़ी अच्छी संख्या में हम लोग उपस्थित हुए। हमारी बातों को, हमारी डिमांड को माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी आए और उठाने के वादा किए। उन्होंने बोले संघर्ष तेज करो, ये सरकार जो है से बहरी सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार बहरी सरकार है, और हमारे सांसद भी 30 सांसद हैं, 30 सांसद मिलकर दिल्ली में भी लड़ेंगे और हमारे बिहार में भी लड़ाई तेज होगी, और सरकार नहीं सुनती तो हम सदन में इस बात को रखेंगे। आप भी हर PSC में इस पर ताला लगनी चाहिए, जब तक देश पर धरती पर लड़ाई नहीं लड़िएगा आपकी मांगों को सरकार नहीं सुनेगी, क्योंकि सरकार के तो कार्य हो रहा है, सरकार के कार्य में कौन क्षति नहीं है, क्यों आपकी बात को सुनेगी? वो तो तुच्छ पैसा दे करके आपको काम को कराते जा रहा है, पर नाम कमा रहे हैं कि हम बिहार आगे बढ़ रही है, बिहार आगे विकसित हो रही है, विकसित भारत की कसम खाए हुए मोदी जी की विकसित भारत बनाना है। अरे नीतीश कुमार जी है जल जीवन हरियाली स्वच्छ भारत की नारा यह देते हैं, कहते हैं कि विशेष राज्य के दर्जा लेंगे, और यहाँ राज कर रहे हैं जिस पर अपने वहाँ की जनता खुश है ही नहीं, वहाँ के वर्कर बताइए ये कौन सा नियम है, कौन सी संविधान है जहाँ की वर्कर आशा वर्कर को 1,000 रुपये मानदे, वो प्रोत्साहन राशि मानदे भी नहीं, 3,000 रुपये प्रोत्साहन मानदे की बात किए थे तेजस्वी यादव जी, उस समय मुख्यमंत्री जी साथ थे, कहाँ मुख्यमंत्री जी वादा वहाँ पूरा किए, वह भी मुख्यमंत्री तो डिफॉल्ट हुए, उसके बाद डबल इंजन की सरकार बनी, उसमें भी उनको भी सूझ नहीं रहा है कि आगे क्या करे, आशा क्या करे, कुड़िया क्या करे, ममता क्या करे। इसलिए हम लोग तय कर लिए हैं कि या तो करो या मरो, हम लोग 9 अगस्त को पूरे बिहार के पूरे PSC में ताला मराएगा, एक दिवसीय धरना देंगे, और धरना दे करके सभी कुरियर, सभी आशा, आशा फैसिलेटर, ममता सभी लोग एकजुट होकर के डिमांड कॉपी प्रभारी को देंगे, और हर एक डेट वाइज 16 अगस्त से हर जिला में DM का घेराव करते हुए 2 अक्टूबर को पटना में कार्यक्रम करेंगे, और कार्यक्रम कहला के बाद अगर सरकार मेरी बात को नहीं सुनती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसी बात के साथ मैं मुलायम सिंह यादव, स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर संगठन, पटना।